यो व्हाट्स अप गाइस, कैसा है किंचुक, क्या हाल चाल आप लोगों के। हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हैप्पी होली। सो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोग समझ ही गए होंगे, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाने से पहले मैं एक मोमेंट सीरीज कर रहा था और उस मोमेंट सीरीज को कंटिन्यू करते करते अब मैं भी थक गया हूं और मुझे पता है देखते देखते आप लोग भी थक गए हो। लेकिन खास बात तो ये है कि जब तक मैं उस सीरीज पे काम कर रहा था, जब तक मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आप लोगों के एक टॉपिक पर इतने कमेंट आए किसी ने सोची ना होगी। और वो टॉपिक है हाउ टू डू अ परफेक्ट सिटअप हेडशॉट इन टू फिंगर। जी हाँ, टू फिंगर में परफेक्टली सिटअप हेडशॉट को कैसे करें या फिर क्राउच हेडशॉट को कैसे करें। अब ये है तो काफी ज्यादा डिफरेंट और क्रिटिकल एक टू फिंगर प्लेयर के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है जिन लोगों का डिफॉल्ट सेटिंग है। अब मेरा डिफॉल्ट सेटिंग से ये मतलब है कि जिन लोगों ने अपने सेटिंग को ज्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं किया है, लाइक उन लोगों ने अपने बस सेटिंग को जैसा डिफॉल्ट में था उसको बस थोड़ा थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, बस वैसे ही करके अपने तरीके से खेल रहे हैं। लाइक 100% में से 90% प्लेयर्स ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये डिफॉल्ट सेटिंग में हेडशॉट पॉसिबल भी है। और जो बचे 10% लोग है वही है चाणक्य दिमाग के साथ में चलने वाले, लाइक चाणक्य माइंडसेट, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वही चाणक्य माइंडसेट शेयर करने वाला हूँ और कुछ अपने पर्सनल सीक्रेट्स भी शेयर करने वाला हूँ। अब जो लोग इस वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे उन लोगों का रिएक्शन मैं समझ सकता हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि क्राउच हेडशॉट में बहुत ज्यादा फेक डैमेज आते, तो मैं उसका भी इलाज आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो भी हैंड कैम के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक्यूरेसी टिप्स और मूवमेंट ट्रिक्स को ब्रेक डाउन करते ही रहता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने आप लोगों को एक रीजन भी दे दिया सब्सक्राइब करने का, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, वरना आप लोगों का सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जरूर से अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, तू समझा। फिर बात करें इस चाणक्य माइंडसेट के टॉपिक पर, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो आप लोगों को अंगूठा घुसा देना चाहिए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप लोगों के अंगूठे का ही हिस्सा काम आने वाला है, या फिर मैं बोल दूं आप लोगों के अंगूठे का हिस्से का जो नीचे का शुरुआती हिस्सा है जहाँ से अपना अंगूठा निकलता है वो करने वाला है इस मूवमेंट को प्रॉपरली। अगर मैं आप लोगों को यही सब चीजें सिंपल वे में बोलूं तो मेरे कहने का मतलब ये होता है आप लोगों को थोड़ा सा एक्सटर्नल माइंड यूज करना होगा, यानी कि आप सबको थोड़ा सा बाहरी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी सेटिंग से थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना है। आप लोगों के हर्ट से आप लोगों को जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को बहुत ज्यादा माइनर लेवल पे आप लोगों को छेड़छाड़ करनी होगी। तो आप लोगों को करना ये होगा, अगर आप लोगों ने ड्रैग बटन को बहुत ज्यादा नीचे रखा है फॉर द स्पेस पर्पस कि आप लोग ज्यादा तेजी से ड्रैग कर सको या फिर आप लोगों को ज्यादा स्पेस मिले ड्रैग करने को, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसको ऊपर करना होगा और आप लोगों के ड्रैग बटन के जस्ट नीचे आप लोगों को थोड़ा सा राइट या फिर लेफ्ट भी चलेगा आप लोगों को रखना होगा अपना क्राउच बटन, वो भी 100% की ओपेसिटी पे, वो भी साइज के साथ। अब मैंने तो राइट में रखा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये बात हो गई अपने एक्सटर्नल माइंड यूज की, आप लोगों ने अलग से दिमाग लगा लिया है टू फिंगर डिफॉल्ट सेटिंग में भी। अब बात करते हैं अपने कुछ पर्सनल सीक्रेट्स के बारे में जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, कुछ अपने पर्सनल सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को करते करते बताता हूँ कि इसको करना कैसे, वो भी हैंड कैम के साथ। तो फिर आप लोगों को इसको परफेक्टली करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाना है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दो शॉटगन ले लेना है, उसका दो शॉटगन लेने के बाद आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग बटन पे क्लिक करना है, आप लोगों को 90 डिग्री ड्रैग करना है और ड्रैग करने के साथ ही आप लोगों को तुरंत स्विच बटन पे दबाना है। गन स्विच बटन से स्विच करते हो या फिर गन बॉक्स से स्विच करते हो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जैसे स्विच करना है वैसे ही आप लोगों को तुरंत पूरा 90 डिग्री आप लोगों का थंब हो जाएगा, आप लोगों को तुरंत उस पाम के कोने के हिस्से से जहां से आप लोगों का थंब निकल रहा है या फिर स्टार्ट होता है आप लोगों को उसी से आप लोगों को जैसे ही आप लोगों का ड्रैग बटन के नीचे है क्राउच बटन आप लोगों को उससे क्लिक करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। जैसे कि आप लोग मुझे देख सकते हो, मैंने जैसे ही ड्रैग किया अपने गन बॉक्स पे गन स्विच बटन को क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया और साथ ही साथ मैंने अपने क्राउच बटन को अपने थंब के स्टार्टिंग हिस्से से क्लिक कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर फिंगर्स का यूज नहीं हो रहा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने क्राउच बटन पे क्लिक करते ही तुरंत जंप बटन पे क्लिक किया और तुरंत स्क्रीन को रोटेट किया, और कुछ इसी तरीके से आप लोगों को करना है। और इसके बाद आप लोगों को यही चीज रिपीट करते जानी है जब तक आप लोगों का रिलोड नहीं आ जाता, इससे आप लोगों को 4 MO फायर करने का मौका भी मिल जाएगा और सामने वाले पे प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा अगर आप लोग कंटिन्यूसली फायर लोगे तो। इसमें बस इतना सही था, मैंने आप लोगों को कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बता दिया, आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज बताई टू फिंगर में करना कैसे, बट ये काफी ज्यादा इंपॉसिबल है स्टार्टिंग में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, और एक बार आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों का गेम प्ले अलग लेवल पे दिखने वाला है, खासकर मॉन्टेज प्लेयर्स का जिनको अपना मॉन्टेज बनाना होता है। तो फिर लगे हाथ अपन बात करते हैं फेक डैमेज की। तो बहुत से ज्यादा कमेंट आ रहे थे लाइक आप लोगों का क्राउच हेडशॉट के टाइम पे बहुत ज्यादा फेक डैमेज आता है, तो इसका भी बहुत ही ज्यादा इजी से सोल्यूशन, आप लोगों को कभी भी शॉट लेने के बाद बैठना है, क्योंकि अगर आप लोग सब बटन को एक साथ में दबा ले तो एकदम परफेक्टली, तो फिर आप लोग देखोगे कि आप लोगों का एम हेड पे जा ही नहीं रहा है लेकिन आप लोगों का डैमेज आ जा रहा है, आप लोगों का एम बॉडी तक ही जा रहा है। अच्छा, होप आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। विल मीट इन दिस काइंड ऑफ अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।